आज मैं आप लोगों को आज के क्लास में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो इसके पिछले क्लास में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब कोई भी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से इसको बहुत अच्छे प्रकार से बता दे रहा हूं, ताकि आप समझ जाइएगा। जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार की जो घटना होगी प्रकाश का अपवर्तन कही जाती है। तो आगे इसमें हम देखते हैं, फिगर के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूं। देखिए, ये कोई पृथककारी तल है। पृथककारी तल का अर्थ होता है कि वह उसको तल को दो भागों में बांटे। तो इसके निचले भाग में वायु है और इसके ऊपर वाले भाग में कांच है। तो आप ध्यान दीजिए, और यहां पे एक जो है अभिलंब डाला गया है, ये अभिलंब है। और कोई प्रकाश की ये किरण है, जो कि ये किरण कांच से आ रही है, कांच से आ रही है, और वायु में जब ये प्रवेश करेगी तो थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। विचलन का अर्थ ये होता है कि अपने मार्ग से हट जाना, अपने मार्ग से हट हट जाना। जाना। तो इस क्रिया को हम कहते हैं विचलन। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से अपवर्तित होगी, और इसका जो मार्ग होना चाहिए, इसके मार्ग को हम डॉट डॉट
से दर्शा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये है अभिलंब, अभिलंब, और जो किरण आपतित होती है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो पृथकारी तल से अलग होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो आपका है अपवर्तित किरण। ये है अपवर्तित, अपवर्तित किरण। और ये है विचलित किरण, विचलित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण या आपतन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये आपको समझना अनिवार्य है कि कितने अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर इसका विचलन हुआ है। तो यहां से जो ये आपका किरण है, विचलित किरण और अपवर्तित किरण, दोनों किरणों के मध्य, दोनों किरणों के मध्य जो कोण तैयार होगा, बनेगा, वो कहा जाता है डेल्टा एम। तो ये डेल्टा एम है, डेल्टा एम जो कि विचलन कोण को प्रदर्शित करता है, विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। आइए चलते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसके निम्नवत दो नियम होते हैं। पहला नियम है, पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा नियम बता रहा हूं कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण, आपतन कोण की जया। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपतन कोण की जया क्या है।
आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया परस्पर परस्पर समानुपाती, परस्पर समानुपाती अपवर्तन अपवर्तन कोण की जया परस्पर समानुपाती होती है। होते हैं, होते हैं। चलिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया परस्पर समानुपाती होते हैं। तो आपतन कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका स्मॉल आई, आपतन कोण हो गया। तो स्मॉल आई आपतन कोण की जया साइन आई बाई अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल आर हो गया, तो इसके लिए भी साइन का प्रयोग करेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो ये एक यहां पे अपवर्तनांक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एन अपवर्तनांक हुआ, और इसी को हम स्नेल का नियम बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्नेल, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो ये पॉइंट आपका आज तक यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।